इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। तेहरान के पास विस्फोटों की आवाज सुनाई दी है। इसराइली सेना यानी IDF का कहना है कि वो ईरान में सैन्य लक्ष्यों पर हमले कर रही है, जो उसने कहा कि ईरान और उसके समर्थकों द्वारा महीनों से किए जा रहे हमलों का जवाब है। तेहरान के आसपास कई विस्फोट के रिपोर्ट्स भी सामने आए हैं। राजधानी में हवाई रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई है, जबकि ईरानी मीडिया का कहना है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सेस यानी IRGC के किसी भी सैन्य ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा है। गजा के नागरिक रक्षा एजेंसी का कहना है कि इसराइल के ड्रोन हमलों में 12 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जो अब मानवीय सहायता प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहे थे। UN ह्यूमन राइट्स के प्रमुख का कहना है इसराइल का उत्तरी गाजा पर हमला अत्याचार अपराधों के बराबर हो सकता है, जो मानवता के खिलाफ अपराधों के समान है। गाजा में 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइल के हमलों में कम से कम 42,847 लोग मारे गए हैं और 1,00,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। डेमोक्रेट कमला हैरिस और उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक इस सब पे कुछ भी टिप्पणी नहीं की है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार टेक्सास और मिशिगन में अभियान कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हैरिस और ट्रंप दोनों ने चुनाव के दौरान इसराइल के प्रति अनवेवरिंग सपोर्ट का वादा किया है। ईरान के 1 अक्टूबर के मिसाइल हमले के बाद हैरिस ने कहा कि उनके इसराइल की सुरक्षा के प्रति वचनबद्धता अडिग है। इस महीने की शुरुआत में CBS कार्यक्रम 60 मिनट के एक इंटरव्यू में हैरिस ने ये भी कहा कि वो ईरान को अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी मानती है। ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ हमेशा से सख्त रुख बनाया है। बाइडेन हैरिस प्रशासन को वर्तमान संकट के लिए दोषी भी ठहराया है। वो कहते हैं, जब मैं राष्ट्रपति था ईरान पूरी तरह से नियंत्रित था, नकदी के लिए तरस रहे थे, पूरी तरह से सीमित थे और समझौता करने के लिए बेताब थे। ये 1 अक्टूबर को उन्होंने कहा था। ईरान परमाणु समझौते से अभी हटा लिया और 2020 में इराक में शीर्ष IRGC जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की भी अनुमति दी, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि तेहरान में विस्फोटों की आवाज हवाई रक्षा प्रणाली के हस्तक्षेप की है। ये एंटी एयरक्राफ्ट ड्रोन पर गोली चला रहे हैं। हम ये पुष्टि कर सकते हैं कि इनमें से अधिकांश ड्रोन हमले हैं, न कि मिसाइल या विमान। सवाल यह है कि ये कहां से लॉन्च किए गए हैं, इसराइल से या कहीं और से, क्योंकि आमतौर पर ये हवाई वाहन लंबी दूरी के नहीं होते। ईरानी अधिकारियों ने कोई भी हताहत की रिपोर्ट्स नहीं दिए हैं। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।